मुखर संवाद की ओर से आप सभी पाठकों और दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें। और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ ध्वस्त होने को लेकर लोग काफी आहत महसूस कर रहे हैं। वहां के निवासी लगातार अपने आप को असहाय बता रहे हैं। हर तरफ दुखों का आलम है। दरकते मकानों को बांस और खंभों से बचाने की कोशिश कर रहे लोग, विस्थापन की त्रासदी झेल रहे लोग, अपने घर को टूटता देख रहे लोग। उत्तराखंड की ये तस्वीरें इस बार त्रासदी को बताती हैं कि इंसानी विकास की दौड़ में दिल्ली और देहरादून की सरकारों से क्या गलती हुई है। इस बार जो हुआ है, एक शहर को अपने काल के गाल में समाने को तैयार है। मुश्किलों की कगार पर खड़ा जोशीमठ और विस्थापन को मजबूर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उनका आने वाला समय और भी मुश्किल है। घर घर बर्बाद हो गया, उनकी राजनीति चल रही है, गरीब लोग ऐसे किसे जा रहे। जोशीमठ में भूदशाव का कैंसर न जाने कब से पल रहा हो, शायद 1000 सालों से। जैसा लोग कहते हैं कि 1976 में इसका पहला लक्षण दिखा था, आज वो लक्षण परिणति को पहुंचने को तैयार है। लोक कथाओं से लेकर विज्ञान के कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन एक शहर जो डूबता जा रहा है, उसका भविष्य क्या है? जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती कहते हैं, लोग बांस और बल्ली से अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, घर को सहारा दे रहे हैं। जोशीमठ रणनीतिक, धार्मिक और पर्यटन महत्व का सीमावर्ती शहर है जो सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी अगर एक भूकंप आया तो ये शहर खत्म हो जाएगा। जोशीमठ नगर निकाय के पूर्व अध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती भी इन सब की शुरुआत को याद करते हैं। वो कहते हैं कि समस्या 14-15 महीने यहाँ के गांधीनगर क्षेत्र में शुरू हुई, फिर सुनील, मनोहर बाग, सिंहधार और मारवाड़ी जैसे इलाके इसकी जद में आए। सुनील में सकलानी परिवार का एक घर गिर गया, तब लोगों ने सोचा कि शायद ये एक छोटी घटना हो, लेकिन एक पखवाड़े पहले जब होटल माउंटेन व्यू की दीवारों में दरार पड़ी तो खतरे की घंटी बजी। शहर के लोग सहम गए, किसी को नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है। अब इन होटलों को बंद कर दिया गया है, होटलों के नीचे घरों में रहने वाले 5 परिवारों को अपना घर खोना पड़ा है। तमाम लोग अब अपने घरों को छोड़कर अलग अलग स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं। सीएम ने शनिवार को इस इलाके का दौरा किया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं हमने क्या खोया है। लोग बस इस डर में हैं कि उत्तराखंड के जोशीमठ का भविष्य क्या होगा। क्या भगवान विष्णु के 6ठे अवतार नरसिंह का शाप लग गया है इसे? क्या वह अभिशब्द कथा जिसका जिक्र घुमक्कड़ राहुल सांकृत्यायन ने 1953 के अपने यात्रा संस्मरण में किया था, क्या वो बात सत्य होने को है? क्या राजा वासुदेव का के कर्मों का फल वह भोग रहा है? क्या केदारनाथ की सनत संहिता की वो भविष्यवाणी सच होगी जो कहती थी कि नरसिंह की कमजोर हुई दाई भुजा जिस दिन टूटेगी, बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? क्या ये सुंदर शहर शापित हो गया है, उजड़ना, बसना और डूबना? क्या जोशीमठ का वर्तमान यही है? इस बात के सवाल कई हैं, कई जवाब। सरकारों पर तोहमतें हैं, आरोप, लेकिन सरकार आम आदमी की कहां सुनती है? एक शहर जो नक्शे से मिटने को तैयार है, उसके लोग सिर्फ एक डर में हैं। डर सिर्फ इस बात का कि अगर कोई भूकंप आया तो ये शहर क्या होगा। मिनी लंदन, मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।